हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप कल्चर फैक्ट्स के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के अंदर तेजी से बढ़ते हुए ई स्पोर्ट्स सेक्टर की। जी हाँ, लास्ट 3 साल से इंडिया में ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण कुछ प्रमुख मोबाइल गेम्स का अधिक लोकप्रिय होना है और इससे इंडिया के ई स्पोर्ट्स सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिला है। ऑनलाइन गेमिंग के विपरीत ई स्पोर्ट्स स्किल पर आधारित ऑनलाइन गेम होता है, जिसमें अलग अलग टीमें और खिलाड़ी चैंपियनशिप या लीग जीतने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि किसी फिजिकल गेम में होता है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सालाना 46% की दर से ग्रोथ करेगी और 2025 तक इसका बाजार 1100 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। यह दावा प्रोफेशनल सर्विस फर्म EY ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 4 साल में भारतीय ई स्पोर्ट इंडस्ट्री 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है। रेडी सेट गेम ऑन नाम की इस रिपोर्ट में बताया है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्लोबल इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसके साथ ही भारत में ई स्पोर्ट्स का प्राइस पूल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। रेडी सेट गेम ऑन की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2025 तक इंडियन ई स्पोर्ट्स सेक्टर में आने वाले खिलाड़ियों की संख्या में 78% से सालाना दर में वृद्धि होगी और इनकी संख्या 15 लाख तक पहुंच जाएगी, जबकि टीमों की संख्या बढ़कर 2.5 लाख से भी ऊपर होने की उम्मीद है। इससे इस खेल की प्राइज मनी में इजाफा होगा और खिलाड़ियों को प्रोफेशनल बनने में भी फ़ायदा होगा। वैसे तो ई स्पोर्ट्स के अंदर PC और मोबाइल हर तरह के गेम आते हैं, लेकिन इंडियन ई स्पोर्ट्स को ग्रो करने में मोबाइल गेम्स का अधिक योगदान रहा है। उसमें भी कुछ अधिक लोकप्रिय गेम जैसे पहले PUBG मोबाइल और अब BGMI, फ्री फायर, COD मोबाइल, इन गेम्स का अधिक योगदान रहा है। और कुछ क्रिएटर्स, कुछ स्ट्रीमर्स और कुछ प्रोफेशनल मोबाइल गेमर्स जैसे कि मॉर्टल, डायनेमो, स्काउट, जोनाथन, ओवेस, श्रीमान लेजेंड आदि गेमर्स, जिनकी फैन फॉलोइंग्स भी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने ई स्पोर्ट्स को ग्रो करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया में अभी 14 ई स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म हैं, जिनकी संख्या 2025 तक 20 होने की उम्मीद है। अभी ई स्पोर्ट्स की कुल व्यूअरशिप भारत में 17 मिलियन यानी 1.70 करोड़ है, जो 2025 तक 8.5 करोड़ यूनिक यूजर्स हो जाएगी। यह ग्लोबल व्यूअरशिप का 10% है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 साल में भारत में ई स्पोर्ट्स से 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और अभी यह उम्मीद है कि होने वाले एशियन गेम्स में भी भारत की ओर से ई स्पोर्ट्स की प्रतिनिधि करती हुई टीम्स नज़र आएंगी। उम्मीद है आपको हमारी ई स्पोर्ट्स के ऊपर यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।